ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लेकिन एक टैटू नीडल को हॉट वाटर से वॉश करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सो देयर आर ऑलवेज सम सीक्रेट्स दैट द प्रोज यूज एंड इफ यू यूज देम डेफिनेटली योर टैटूइंग कैन बी अ बिट मोर बेटर। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 10 टैटू सीक्रेट्स टू इम्प्रूव योर टैटूइंग टेक्निक। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक लास्ट ईयर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था ऑनलाइन, जिसके अंदर मुझे पता चला कि अगर मैं हॉट वाटर को यूज़ करता हूँ तो मेरी नीडल जो है वो ईजिली क्लीन हो जाएगी और उसके अंदर कोई और इंक का पार्ट नहीं रहेगा। सो जो हॉट वाटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम वो ग्रीस को कट आउट करता है। तो ग्रीस कहाँ होती है? जब हम नीडल को यूज़ करते हैं टैटू बनाने में तो नीडल के पिंस के अंदर थोड़ी सी इंक होती है और थोड़ी सी एएनडी ऑइंटमेंट भी होती है। उसको क्लीन करने के लिए अगर आप हॉट वाटर का यूज़ करेंगे तो नीडल ज़्यादा बेटर तरीके से क्लीन होगी और आपको बार बार टिश्यू पेपर से उसको रब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टिश्यू पेपर से उसको बार बार रब करते हैं तो नीडल के अंदर हमारा टिश्यू पेपर फंस जाता है। ट्राई दिस आउट, यूज़ अ हॉट वाटर और इससे आप देखेंगे कि आपकी जो नीडल है उसके अंदर जो पिंस हैं वो ईजिली क्लीन आउट हो रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में और सिंकिंग में बहुत हेल्प करेगा। सो बैक्टीन इज अ फर्स्ट एड एंटीसेप्टिक एंड अ पेन रिलीविंग। व्हाट डज इट मीन? ये आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, जैसे आपका डिटॉल होता है, बट डिटॉल की तरह ये स्किन को बर्न नहीं करता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब वो स्वेलिंग को कम करता है। सो यू कैन बाय बैक्टीन फ्रॉम एनी टाटू सप्लायर, अ गुड टाटू सप्लायर और फ्रॉम अमेजोन। आई बाय माई बैक्टीन फ्रॉम टाटू गिज्मो एंड इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप एक टाटू के ऊपर बात करें तो आपको कुछ स्प्रेज करने होते हैं और वो कॉस्टिंग के अंदर बिल्कुल भी एडअप नहीं होता है एंड बैक्टीन रन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। एट द सेम टाइम आप विच हेजल को भी परचेज कर सकते हैं, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सूद करता है स्किन को, मतलब जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है उसको कम करता है, एट द सेम टाइम स्किन को क्लीन करता है। तो अगर आप ये दो प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो, बट ऑब्वियसली अगर आपके टैटू में रेडनेस आ रही है या स्वेलिंग आ रही है, आपका क्लाइंट को थोड़ा इरिटेटेड लग रहा है, तो दैट विल रियली ईज आउट। सो अगर आप कोई बड़ा टैटू कर रहे हैं, दीज टू प्रोडक्ट्स विल रियली हेल्प यू आउट। आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन चेक इट आउट। सो एज सून एज द टैटू इज डन, एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है फोटोग्राफ लेने की, इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की, बट मेरी ये रिकमेंडेशन है और मैंने खुद ये ट्राई किया है कि अगर आप फोटोग्राफ को कुछ घंटों के बाद या प्रोबेबली नेक्स्ट डे लेंगे तो जो स्वेलिंग होती है वो बहुत कम होगी। जब हम कोई भी टैटू के ऊपर काम करते हैं और स्पेसिफिकली अगर वो कोई बड़ा टैटू है या फिर जो क्लाइंट है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है टैटू के आसपास। जब भी आप कोई टैटू बनाते हैं तो जो नीडल होती है वो अपर लेयर को पियर्स करती है और डैमेज करती है। आप उस लिमिट तक नहीं जाते कि वो एक हैवी वूंड बने, बट एट द सेम टाइम वो एक माइक्रो वूंड होता है। अगर टैटू करते सार आप उसकी पिक्चर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखेगी, थोड़ी लाइंस आपको ब्लरी भी दिखेंगी, बट अगर आप टैटू को आधे से एक घंटे का टाइम देंगे या बेस्ट रहेगा अगर आप नेक्स्ट डे उसकी पिक्चर्स लेंगे तो आप देखेंगे रेडनेस बहुत कम हो जाती है। द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू बाय रिड्यूसिंग द सैचुरेशन। सो सैचुरेशन एक फीचर होता है जो कि आजकल किसी भी स्मार्टफोन में आता है या फोटोशॉप में आता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू एडिट द फोटोग्राफ टू मच, बट अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट नेक्स्ट डे नहीं आ सकते हैं या एक घंटा भी नहीं रुक सकते हैं, तो यू कैन जस्ट टेक द पिक्चर और उसको एडिट करते हुए आप उसकी सैचुरेशन 10-15% कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फोटो ज़्यादा नेचुरल लगेगी। सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट अ स्ट्रोक इज। स्ट्रोक इज द अमाउंट ऑफ द नीडल ट्रैवलिंग इनसाइड द स्किन, जो कैम होता है बेसिकली 3.5, 2.5, 4, अलग अलग कंपनीज अलग अलग कैम बनाती है। सो फॉर लाइनिंग आई रिकमेंड यू टू यूज अ लॉन्ग स्ट्रोक। लॉन्ग स्ट्रोक इज लाइक अ 4 mm और अ 4.2 mm, बिकॉज जितना लंबा वो स्ट्रोक होगा उतना ज़्यादा टाइम नीडल लेगी ट्रैवल करने के लिए और उतनी ज़्यादा देर के लिए स्किन के अंदर रहेगी। सो इफ़ यू वॉन्ट अ सिंगल पास लाइन, आप चाहते हैं एक बार में क्रिस्प लाइन आए, तो यूज़ अ 4 mm ऑफ स्ट्रोक। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, लॉन्ग स्ट्रोक रखेंगे तो लाइनिंग अच्छी होगी। अगर आप उसी का अपोजिट कर देते हैं, अगर आप एक शॉर्ट स्ट्रोक रखते हैं जैसे कि 2.5 mm का, जो कि शेन की स्पिरिट में आता है, तो वो सॉफ्ट शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? द रीज़न इज, जब शॉर्ट स्ट्रोक होता है तो नीडल कम टाइम लेती है स्किन में जाने के लिए, एट द सेम टाइम आपको सिंगल पास नहीं मिलता है। तो जब भी आप शेडिंग करते हैं आपको चाहिए कि आपको 2-3 ऑप्शन मिले और तब धीरे धीरे करके आप लेयर्स को बिल्डअप करें। सो अगर आप एक शॉर्ट स्ट्रोक का यूज़ करेंगे तो यू गेट अ मोर स्मूदर फील, एट द सेम टाइम यू गेट चांसेस मिलते हैं कि आपका एक बार में उतना डार्क कलर नहीं आएगा। यू गेट टाइम, आपको 3-4 बार करेंगे तब जाके वो स्मूथनेस आएगी। सो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर सॉफ्ट ब्लैक एंड ग्रे शेडिंग।
एक ट्रेडिशनल टैटू के अंदर हम इंकप्स लगाते हैं, ब्लैक, डार्क, मीडियम, लाइट, एक्स्ट्रा लाइट इफ नेसेसरी, एंड देन वाइट, और सब लोग एक वाटर कप का यूज करते हैं। आप कोई भी टैटू बना रहे हैं जो कि हाफ एन आवर या वन आवर से ऊपर का है, तो जस्ट इमेजिन करिए और लॉजिक लगाइए कि जब आप इंकप्स को यूज करते हैं और नीडल्स को एक अलग अलग इंकप्स में डिप करते हैं, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, अगर आपका डार्क 70% है, 70% ब्लैक है, और उसको एक घंटे बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप लाइट और डार्क में बार बार शफल कर चुके हैं, तो जो आपका डार्क 70% है वो 70 नहीं रहता है, इट समटाइम्स बिकम 65 और 60 और इवन 50, डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा डिप कर रहे हैं। सो जब आप कोई बड़ा टैटू करते हैं और आप एंड में उस ब्लैक इंकअप को यूज करते हैं जो कि आप ऑलरेडी मिक्सिंग में यूज कर चुके हैं कहीं पर सॉलिड ब्लैक करने के लिए, तो वो 100% ब्लैक नहीं रहता है। सो फॉर द सेम रीजन यूज अ एक्स्ट्रा इंकअप ऑफ ब्लैक जो कि आप सिर्फ सॉलिड ब्लैक के लिए यूज करेंगे और मिक्सिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से जो ब्लैक का सैचुरेशन है वो ज्यादा बेटर रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि हील होने के बाद वो ब्लैक लाइट हो जाएगा। लेयरिंग ऑफ अ टैटू इज व्हेन यू पुट द शेड्स स्लोली एंड स्टेडिली। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक टोन बिल्डअप करनी है तो आप पहले एक बार उसके ऊपर मैग्नम से करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके यू बिल्ड अप अ टोन। तो अगर आप रियलिस्टिक टैटू या रियलिज्म के अंदर नए हैं तो ऑलवेज प्रेफर टू गो लाइट टू डार्क। इस तरीके से यू गेट अ स्कोप ऑफ चेकिंग की एक्चुअल टोन क्या आ रही है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग सीधा डार्क टोन लेते हैं और डाल देते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि यार ये ज्यादा डार्क हो गया। सो समटाइम्स व्हेन वी मेक अ टैटू वी एंड अप गोइंग डार्क। फॉर द सेम रीजन आई रिकमेंड यू टू गो लाइट टू डार्क, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रियलिस्टिक या आप कोई भी हाइपर रियलिज्म का पीस कर रहे हैं या पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो रीजन बीइंग, जब आप लेयरिंग करते हैं तो आप टोन को बिल्डअप करते हैं, सो स्लोली एंड स्टेडिली आपका लेयर बिल्डअप होता है, टोन बिल्डअप होता है, और इससे चांसेस नहीं होते कि आप ज्यादा डार्क चले जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे आपको 60% डार्क करना है, तो आई वोंट रिकमेंड यू कि आप सीधा 60% वाला टोन लेके उसके अंदर डालें। आई वुड रिकमेंड यू आप 50 या 40% लीजिए, फर्स्ट पुट इन दैट एंड देन सी हाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी। मेरे को खौफ लगता है, खौफ है। सो वेन यू एंटर अ जिम इन द मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली जाओगे और कोई भी मसल पार्ट उठा के करने लग जाओगे। इट इज ऑलवेज यू स्टार्ट विद द वार्म अप। द सेम थिंग आई प्रेफर टू डू विद माई टाटूज। When it is a new day and it is a new tattoo I have to start with, I always start with the easiest part. For example, कोई simple सी line बनानी है या कहीं पर filling करनी है, this also helps me to understand the skin. I normally do the easiest part and then take a break after 10-15 minutes to see how the skin is responding. Sometimes skin एकदम से red हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि skin बहुत ज़्यादा sensitive है और मुझे एक जगह पर बार बार नहीं करना, उससे ज़्यादा redness आएगी, ज़्यादा bleeding होगी। So my recommendation to you is start with the easiest part. My next two parts are related to photography of the tattoo. तो जब हम photograph लेते हैं tattoo की, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सीधा hard light होती है और उसके सामने picture ले लेते हैं, उससे over saturated picture आती है, जो हमारी highlights होती हैं वो बहुत ज़्यादा blow out हो जाती हैं, जो blacks होते हैं वो भी change हो जाते हैं। What I prefer to do is use the ambient light. Ambient light का मतलब होता है जितनी natural light हो और जितनी फैली हुई light हो। For example, आप बाहर जाके picture ले सकते हैं या studio की सारी lights को जलाइए और जो आपकी spotlights होती हैं या आपकी, जैसे the lights I'm using are, जो lights को मैं use कर रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं यार, इनको सॉफ्ट बॉक्स। या सो अगर आपके पास सॉफ्ट बॉक्सेस हैं तो कोशिश करिए उसको एटलीस्ट 3-4 फुट की दूरी पे रखिए क्लाइंट के। ज्यादा सॉफ्ट लाइट आएगी, ज्यादा एम्बिएंट लाइट आएगी, उससे आपका टैटू ज्यादा नेचुरल लगेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे सॉफ्ट बॉक्सेस में और रिंग लाइट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मली आई पुट 2 सॉफ्ट बॉक्सेस और 2 रिंग लाइट्स एंड सेंटर में खड़े होकर आई टेक अ पिक्चर ऑफ द टैटू। टैटू की फोटो लेना बहुत मुश्किल होता है, मतलब जितनी मेहनत एक टैटू को बनाने में लगती है कभी कभार उतनी ही मेहनत उसकी फोटोग्राफ लेने में भी लग सकती है। सो जो भी रेडनेस होती है, जो भी ब्लीडिंग होती है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई प्रेफर इज, सो जब टैटू ख़त्म हो जाता है तो मैं टैटू के ऊपर ऑइंटमेंट लगाता हूँ या फिर बैक्टीन से स्प्रे करता हूँ और उसके बाद उसको क्लीन रैप कर देता हूँ। और क्लाइंट नॉर्मली वेट्स फॉर 15-20 मिनट्स और समटाइम्स अगर सेंसिटिव स्किन है तो आधा पौना घंटा या एक घंटा भी वेट करते हैं। इससे क्या होता है, स्किन को टाइम मिलता है अपने आप को सेटल डाउन करने का। बैक्टीन और एएनडी ऑइंटमेंट ब्लीडिंग ना हो उसके अंदर हेल्प करती है। सो दिस थिंग यू कैन ऑल्सो यूज, जब आपका टाटू खत्म हो जाए आप बैक्टीन स्प्रे करो या एएनडी ऑइंटमेंट लगाओ और उसके बाद टाटू को रैप कर दो क्लीन रैप से, एंड देन ओपन इट आफ्टर 15 or 20 मिनट्स और मे बी एन आर, एंड देन लेट इट सेटल डाउन, क्लीन इट विद वाटर, नॉर्मल वाटर, डोंट यूज अ ग्रीन सोप आफ्टर यू ओपन द क्लीन रैप, एंड देन क्लीन इट विद वाटर एंड सोप, एंड देन लेट इट एयर ड्राई।
डोंट रब इट ऑफ विद टिश्यू पेपर और अ टॉवल, लेट इट एयर ड्राई. एयर ड्राई का मतलब होता है कि आप हल्का सा टिश्यू पेपर से डैप करके लेट द मॉइस्चर गो ऑफ ऑन इट्स ओन बाय द एयर. सो आप टाटू को क्लीन करिए, एयर ड्राई होने दीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए और उसके बाद उसकी पिक्चर्स लीजिए. द पिक्चर्स विल कम आउट बेटर देन हाउ यू यूज टू टेक देम बिफोर. सो गाइज, आई होप दैट दीज स्मॉल सीक्रेट्स दैट नोबडी टेल्स एनी वन विल रियली हेल्प यू आउट इन इम्प्रूविंग योर टाटू टेक्निक. Let me know in the comment section if you really enjoyed this video, and don't forget to share this video and like it and subscribe to my channel. Subscribe to his channel. Okay. He always forgets and to say that subscribe to my channel. Subscribe. And see you in the next video.